दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूरन कर्म होए प्रभु मेरा एह बेनंती सुन प्रभु मेरे दे नाम कर अपने चेरे सुकहु टल गुर सेविया एहने सुसहज सुबाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम वाहे गुरु साहिब दियो एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै पुरमान ओह वेखै ओना नदर ना आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह लोक परलोक दे रक्षक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच अमृत वेले दे दीवान विच पहुँच के आप जी ने गुरु कियां खुशियां प्राप्त कीतियां हन। अज दा जो लड़ीवार प्रसंग है जपजी साहिब विच गुरु नानक साहिब जी दे मुखारबिंद तो उचारण किते हुए ये बचन आप जी ने सरवण किते। इन्हां पौड़ियां विच सतगुरां ने योग मत विच विचरन वाले बहुत सारे फिरके जिन्हां दे कई तरह दे
चिन्ह हन, कन्ना विच मुंदरां पौनियां, हाथ विच लोटा मंगण वाला एक डंडा, अपने मोढ़े ते एक बगली पा के रखनी, भगवां पेश गोदड़ी पौनी, समाधियां लाउणियां, रिधियां सिधियां इकट्ठियां करनियां। ये जड़े फिरके हन, इन्हां विचों आपो अपने देवत्यां दी ओ पूजा करदे ने। खास तौर ते जड़े योग मत वाले ने ओ शिव जी दे उपासक ने। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दा जो प्रयोजन है, जो धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे रूप दे विच प्रगट कीता, उन्हां दा मनोरथ सिर्फ इको सी ते हुण है कि ये जड़ा सारी कायनात है अनेकता विच वंडी हुई है। कई देवते देवियां तीर्थ मंदिर मस्जिद कोई किसे नू पूजदा है। सतगुरां ने वेख्या कि मनुख कई हिस्सों विच वंडिया गया है, दुबदा विच भटक रहा है, तो उन्होंने उपराला किया कि एक नाल जुड़े। जिन्ना चिर एक नाल नहीं जुड़ता उतना समा इहदे मन नू एकाग्रता नहीं मिलती, क्योंकि जदों वार वार मन एक थां तो दूजी थां ते दूसरी तो तीसरी थां ते जाएगा, उहदा टिकाव होना बड़ा मुश्किल है। तां इस हालत दे अंदर सतगुरां ने साडे मन नू एकाग्र करन वास्ते, स्थिर करन वास्ते एक नाल जोड़िया। उस वेले तीन देवतियां दी गल चलदी सी, सतगुरां ने बचन कीता ठीक है, देवतियां नू पूजन वाले देवते पूज रहे ने, पर उन्हां नू समझाउण दा एक तरीका वरत्या। सतगुरां ने कहन लगे, वेखो ये जिहड़े तीन देवते ने इन्हां नू पैदा किसने कीता है, बनाया किसने है, बनाउण वाला वड्डा है कि जो बनाए गए ने ओह वड्डे ने, फिर ये पैदा किवें होए। सतगुरां ने हर एक ख्याल अपनी अख नाल वेख के किया। कई तरह के विचार सन, किते क्या कि एक देवते दी मैल नाल दूसरा बन गया, किसे ने कहा भी कुछ दब नाल बन गया, किसे नू घा नाल बना दिता गया, पर सतगुरां ने अपनी खोज कीती ते कहन लगे नहीं, असल विच अकाल पुरख वाहगुरु ने सब तो पहला नाम पैदा किया, ते नाम दे विचों प्रकृति बनाई, माया बनाई। ये दो चीज़ां पहला बनाईयां दुनिया नू साजन वास्ते। उसनू आपां प्रकृति भी कह सकने हैं, माया भी कह सकने हैं, कुदरत भी कह सकने हैं। ये दो चीज़ां आ जिन्हें भी आकार बने ने, 84 लाख जून बनी है, जो भी इत्थे दिस रहा है वह सारा कुछ बाद विच बनया है। पहला दो चीज़ा अकाल पुरख ने पैदा कीतियां, अपने विचों बनाया शब्द कीता पसाओ एको कवाओ, इको बनाया पहला नाम अपना। पहला अपने नाम की सिरजना की, उन्हू साजिया शब्द नू साजिया सब तो पहला। और इस करके सतगुरां ने वार वार कहा कि शब्द सब तो आदि विच होया है, सब तो पहला उन्हें जन्म लिया है, सब तो परमात्मा तो बाद जिहड़ी दूजी चीज़ है दुनिया में वो केवल नाम है, शब्द है। तो कहिंदे सब तो पहला अकाल पुरख वाहगुरु ने नाम की रचना की, शब्द नू बनाया। इहदा सरूप की है? इस सरूप नू जानन वास्ते सानू गुरु दे दसे हुए नाम नू जपना पएगा। वो नाम किवें दा जिहड़ा सब तो पहला बनाया गया से, जिहनू गुरु साहिब ने कहा नाम के धारे सगले जंत,
ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੰਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਜੁੜੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਪੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਪਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਮ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਚੰਗਾ, ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅਜਾਪ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਰ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਨਾਉਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉਂ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਪਦਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤ ਪਾਈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾਉਂ ਉਪਜੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾਉਂ ਉਚਰੈ ਉਪਜੈ, ਬਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਰਸ ਸੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸੇਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸੇਬ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਸੇਬ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਸੇਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਅਤੇ ਚੱਖਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਿੱਠੀ,
बड़ी मिठी है बाणी, पर किसे विरले ने इनू चख डिठी, इनू चख्या किसे विरले नहीं है। साबत तां बड़े लंघा गए, जिवें हकीम लोग कहिंदे ने चबा के भोजन खाणा चाहीदा, नहीं ते तत नहीं बणदे। तां जिहड़ा धर्म दा उपदेश है उहनू वी चखणा चाहीदा, उहनू कल्ला अंदर नहीं लंघा जाणा चाहीदा खाली, फिर उहदे जीवन विच कोई उहदी ताकत नहीं बणदी। तां साहिब ने बचन कीते कि बाणी नू पीना है ते चखना है ते खाना है। ये सारे बचन आउंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, जिहदे विच शब्द साफ तौर ते कहे गए ने, गुरबाणी मीठी अमृत धार जिन पीती तिस मोख द्वार। जिन्हें पी लिया गुरबाणी नू, जपया नहीं कला, जपण दे ते बड़े तरीके ने ना, बड़े तुहानू दसन वाले मिल जाणगे, इस तरह जप लो, इस तरह कर लो, अगे पिछे करके सब है। पर कदी किसे ने इनू पीता भी है तां साहिब ने बचन कीते पीणा है इसनू, ते पीणा है इनू ध्यान द्वारा, मन द्वारा, प्रेम द्वारा, इनू जपना ते इनू फिर पीणा। इस करके शब्द ही ना उपजै, जिहड़ी बेनती सांझी कर रहा सां, सतगुरु ने बचन कीते कि सब तो पहला अकाल पुरख वाहगुरु ने अपना अदृष्ट नाम रचिया सी, जिहनूं कलगीधर पातशाह जी कहिंदे ने कि आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी। किसनूं नमस्कार कीती? सगल प्रजा जिन आप सवारी, जिन्हें सारी प्रजा उहदे विचों बनाई है। तां गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नमस्कार करनी, नमस्कार तिस ही को हमारी, उस शब्द नूं नमस्कार करनी है। ते साहिब ने बचन कीते, सब तों पहला उहने एक हिस्सा बनाया नाम, फिर नाम दे विचों ने एक माई बनाई जिहनूं कुदरत कहा, जिहनूं अज गुरु नानक देव जी कहिंदे ने एका माई, उह इको ही है। फिर उहने एक माई बनाई, एक कुदरत बनाई, प्रकिरति बनाई, उहदा कोई इकला सरूप नहीं कि तुसी माया दा एक रूप। वैसे मिथ्या गया, लक्ष्मी है, और लक्ष्मी दी पूजा किन्नी हुंदी है। लोग दिवाली वाले दिन दरवाजा खुला रखदे, कहिंदे लक्ष्मी आएगी, वो तां उत्थे ही है अंदर ही पहला ही। माया दा रूप एक मिथ्या गया इत्थे कि उहने लाल कपड़े पाए ने, गहने पाए ने, सोना पाया है, हार शिंगार किया, ये माया दा सरूप गिणिया गया। पर इत्थे जिहड़ी एका माई दा अर्थ की है, उहदे कई रूप ने, उहदा एक नहीं रूप। कबीर साहिब बचन कहिंदे ने कि जदों मैं माया नूं जाणिया ना, इस एक माई नूं समझिया, बई पहलां तां माया नूं रुपईए समझदे रहे, जदों कहिंदे मैं नाम द्वारा इस माया नूं वेखणा शुरू कीता, तां कहिंदे इहदे रूप ही बड़े सन, वखरे वखरे इहदे नैन नक्श, वखरे वखरे इहदे कपड़े वस्त्र, इहदा वेश बड़ा अजीब सी। मैं एक वेश विच इहनूं पहचाणिया, जदों मैं पहचान लिया उह चली गई माया। कहिंदे थोड़े चिर बाद दूसरे वस्त्र पा के आ गई, फिर उहनूं पहचाणिया, फिर होर कई रूप ने इहदे। कबीर आई मुझे पै, अनिक करे कर भेस, माया दे बड़े रूप ने। इहदी एक लहर है माया जिहड़ी है मन दे विच, शरीर दे अंदर भी, दूर बाहर की जाना है। आ जिहड़े पंज विकारां दी गल चलदी है, माया दी एक रूप है। अंदर ख्याल उठिया, लोभ दी लहर वजी, माया दा प्रभाव है। माया दे अखरी अर्थ भी इह बणदे ने, माई दे अर्थ। वैसे शब्द वरत्या जांदा है माई, शब्द अक्सर बीबियां वास्ते वरत्या जांदा है माया। माया दे अखरी अर्थ भी इह बणदे ने, माया दे विचों एक डंडा कढ दिओ तां उहदा शब्द बण जांदा है मया। मया दा अर्थ है प्रभावशाली चीज जिहदा असर पैंदा दूसरे ते, मया इस नूं कहिंदे ने। तां उह जिहड़ी भी चीज, माया की है, किस नूं माया कहिंदे ने, पहला इहनूं समझना चाहीदा, फिर असी पता लगेगा भी माया तों किन्ने कुछ सुचेत हां। पहला माया दे स्वरूप नूं जाण लेना चाहीदा है,
माया उसनूं कहिंदे ने जिस चीज़ दा साडे उत्ते बहुता असर पै जाए। समझ लैणा हुण सामणे माया जा रही है जिहदा इन्ना प्रभाव पै जाए कि बंदा व्याकुल हो जाए, उहनूं कहिंदे ने माया। कोई भी चीज़ हो सकदी। हुण इत्थे आए हां सामणे किसे दा कपड़ा वेख्या, वस्त्र, वह मन ते इन्ना प्रभाव कर गया भी कथा सुननी भुल गई, गुरुद्वारा भी भुल गया, गुरु ग्रंथ साहब भी भुल गए, सब कुछ अंदरों चला गया। तो की उसनू कहोगे? गुरु अमरदास जी दे बचन पढ़ लो, हजूर कहिंदे एह माया जित हर विसरै। जेड़ी भी चीज़ नाल रब भुल जाए, वह भावें कुछ भी होवे, भावें कुछ भी होवे, भावें कोई धार्मिक स्थान ही क्यों ना होवे, वह भी माया है। कोई तीर्थ भी क्यों ना होवे, कोई कीर्तन भी क्यों ना होवे, कोई पाठ भी क्यों ना होवे, माया ही सारा। वो क्योंकि ये माया जित हर विसरै, जिदे नाल बंदा गाफल हुंदा है, गुलाम हो जाता है, अपने आपे नूं भुल जाता है, बेहोश हो जाता है, वह सारिया चीज़ें ही माया ने। तो ये सरूप ने माया दे, किसे माया कपड़े नूं वेखना भुल जाना, किसे मकान नूं वेख के एकदम रब भुलिया, तो भी माया का स्वरूप है। किसे होर कोई भी चीज़ है दुनिया की जिन्हों वेंदियां सार अंदरों याद निकल गई, बंदा खिलर गया, तो वो ही है माया। तो सतगुरु ने फिर दूसरा बचन किया, कहन लगे जिन्हां नूं नहीं भुलदा वो भावें कोई भी चीज़ वेखण। ये नहीं कि जिहड़ी चीज़ वल असी देखिए ते रब दी याद ना भुले, वह कुछ भी माया नहीं। भावें उहदे विच मकान आउंदा है, कोई कपड़ा आउंदा है, कोई भी आउंदी वस्तु जिहदे नाल भुले ना, चेता ना अंदरों निकले। तां सतगुरां ने सानू एक अरदास करन दी जाच सिखाई, जिहदे विच साहिब कहिंदे ने कि गुरा एक देह बुझाई। माया तो छुटनी नहीं, क्योंकि सारा शरीर ही माया का बनया हुआ है। अपने दूजी केड़ी चीज़ छड़ांगे, किदा त्याग करांगे, किस चीज़ नूं त्याग देंगे? बड़े बड़े त्यागी ने वो कहिंदे ने असी माया नूं हाथ नहीं लाउंदे। एक राह विच मैनू भी मिले, गड्डी विच सन, गड्डी रोक ली, कहिंदे पता नहीं किहड़े तीर्थ का नाम लिया, उत्थे जा रहे हैं, कोई हिस्सा पा दिओ। तां कुदरती मेरे मन विच भी आया भी एक 100 दा नोट उन्हां दे सामने कर दिता, कहन लगे इत्थे थले रख दिओ, हाथ नहीं लाउणा इस नूं। मैं कहा भी हाथ क्यों नहीं लाउणा? कहन लगे असी हाथ नहीं लाउंदे माया नूं। ते मैं कहा जदों इन्नी तेज रफ्तार गड्डी तुसां रोकी 100 रुपये वास्ते, उदों हाथ नहीं लगा तुहाडा? हाथ तो लग ही गया उदों। तो हाथ लाने का इतने कोई सवाल नहीं। तो यह गल सतगुरां ने जिहड़ी चीज़ नाल, सतगुरां ने एक जुगत मंग ली रब कोलों, तरीका मंगया, क्योंकि जिहड़ा शरीर धारी वह माया धारी तो रह गई, जिन्ना चिर शरीर के अंदर वो जिंद है। वेखना भी माया है, सुनना भी, खाना भी, बोलना भी, उन्ना चिर वह मायाधारी रहेगा। कबीर जी ने बचन कहा, कहो कबीर जिस उधर तिस माया। उधर का मतलब पेट है। जिस जीव नू पेट लग गया ना, भुख लगती है जिनू, तो उहदियां होर भी बहुत सारिया लोड़ां ने, माया तो उहदे शरीर के नाल जरूर रहेगी, छड्डी नहीं जा सकती, वक्री नहीं हो सकती। ये ठीक है दूजा नोट फड़ के रख लेगा, कम तो अपने ही आने ने, जां उसनू बंदा छूंदा नहीं। जिन्ना चिर बंदा शरीर धारीए माया उहदे नाल रहेगी। सतगुरां ने एक जुगत मंगी रब कोलों, कहन लगे रहना तो इहदे विच है, तरीका इस तरह का दस दे भी इहदे विच रह के तू याद किवें रवे, वह गल बुझारत वह मैनू तरीका दस दे। तां ही तुसीं जपजी साहिब विच इस तुक नूं दो वारी पढ़ोगे, जिहदे विच हजूर कहिंदे गुरा, इहनूं गुरा पढ़ना है, गुरा नहीं कहना। गुरा हे सतगुरु जी, एक देह बुझाई,
मैनू एक तरीका बुझा दे, एक जुगत दस दे। वो केड़ी जुगत है कि सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। एक इस तरह की जिंदगी की जुगत दस दे कि मैनू एक दी याद ना भुले। सारा प्रयोजन गुरबाणी का यही है, बंदे नू एक चेते विच रवे। सारा प्रयोजन गुरु साहब का यही। फिर सारिया चीज़ा ये विचों ही आ जांदियां ने, जिहड़ियां असीं बाहरों बाहरों डुप्लीकेट बनाउने आ, जिहड़ी असीं पालिश करने आ ना, इमानदारी दी, सच दी, मिठा बोलण दी, परउपकार करन दी पालिश चलदी है, सेवा दी पालिश करने आ, नाम जपण दी, चंगे बनन दी कोशिश करने आ। इह जे नाम नहीं अंदर, एक दी याद नहीं ते कर रहे आ, ये सिर्फ इस तरह है जिवें लोहे दे गहने नू बंदा सोने दी पालिश करदा है। अंदर ते लोहे ही है ना, वो पालिश चमकेगी जरूर, भुलेखा भी पै सकदा ज्यादे लोकां नू। लोग कह सकते ने सोना बहुत वधिया, लोग कह सकते ने दानी बड़ा वड्डा है, लोग कह सकते ने पाठी बड़ा वड्डा है, पर जदों वो सोने दा महर आउंदा है ना, जिहड़ा सोने बारे जाणदा है, वो वेख लैंदा नहीं पालिश होई है, इहदे उत्ते रंग कीता होया, सोना नहीं है। तां ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां असीं पालिश करने आ, जदों गुरु कोल आउंदे आ ते गुरु पारखू है साडे जीवन दा, वह वेख लैंदा भी पालिश करके लियाया है, अंदरले पासे सोना नहीं है, बाहरों बाहरों पालिश कीती है। तां जदों एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। एक याद रहना शुरू हो गया, एक याद रही जाए लगातार लगातार, ते कुछ समय बाद फिर पालच नहीं करनी पैंदी, बंदा अंदरों सोना बनना शुरू हो जाता है, अंदरली अंदरला रंग बाहर आना शुरू हो जाता है, फिर नहीं पालिश करनी पैंदी। तां सारियां चीज़ां दा मूल की है, धर्म दा एक नू चेते रखना। जदों ये अभ्यास पक गया, बाकी चीज़ां अपने आप पाउण गया, वो तो उहदी सिक्योरिटी है, आले दुआले घूमदियां ने। सुनिया सिद्ध सत संतोख ज्ञान, सुनिया अठ सठ का इसनान, सुनिया पढ़ पढ़ पावे माण, सुनिया लागै सहज ध्यान। ये चीज़ां तो सारियां उहदे अधीन ने, उस याद की छां ने सारियां चीज़ां, ते कल्ली छां नहीं चलदी। रुख है, छां का नक्शा नहीं बनाना पएगा, जिथे रुख उत्थे छां आपे आ जाएगी, जिथे रुख है छां अपने आप पैदा हो जाएगी, जिथे एक दी याद है उत्थे गुण अपने आप आ जाने। इस करके सतगुरु ने, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों भी किसी नाल गल कीती तां पहलां ये नहीं जोर पाया भी पहलां तू पाप छड़ दे, ये उत्ते बहुता जोर नहीं दिता, थोड़ा जा दिता, जिमें 10% सिर्फ। तो पहला एक मनुख नू मिलदे ने, जदों मिले तां ओ वेखण विच तां बहुत चंगा लगदा सी, सतगुरां ने उहदे नाल गलबात कीती। चोरी करदा सी, सतगुरां ने कहा साढ़े नाल तुर सकना है, उन्हें कहा नहीं, मेरी ते तुहाड़ी बननी नहीं, चंगा आदमी सी, घट्टो घट गुरु नाल ये ते कर लेना चाहिदा है, जे तुरिया जांदा है ते नाल तुरना चाहिदा है, जे तुरिया नहीं जांदा ते तुरना चाहुंदे आ अरदास करनी चाहीदी है, ते जे नीयत ही कोई नहीं तुरन दी ते गुरु नूं सीधा कह देना चाहिदा मेरी ते तेरी कोई नहीं बननी। क्या है ना कई सिखां ने, भाई मां सिंह ने साफ कह दिता सी, उस बंदे दा इलाज है जेड़ा गुरु कोल सच बोलदा है, भावें झूठा भी है, पाप कीता है मन ते जाए घटो घट। ये चोरी करदा सी, सतगुरां ने कहा साढ़े नाल तुरेगा, नाल तुरन दा मतलब नाल जाना नहीं, कि जिवें मैं जीवन तेनूं दसांगा उवें जीवेंगा तू। इन्हें कहा नहीं, तुहाड़ी ते मेरी गल नहीं चलेगी, बन नहीं आएगी, क्यों, मैं चोरी करदा, सतगुरां ने, क्योंकि सतगुर पूरा वैद है। गुरु का अर्थ यह हुंदा है
कि जिमें दा बंदा आवे उमें दा उपदेश उन्हूं देना। 1430 अंग जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बनाए गए ना, इन्हां दा कारण इह सी। गल ते मुक गई सिर्फ मूल मंत्र विच, एक ओंकार विच, ज़्यादा तो ज़्यादा जपजी साहिब। पर अगे इन्ना विस्तार क्यों किया, जिन्नी तरह के लोग आउणगे उन्नी तरह की वक्री वक्री दवाई है, उन्हां नूं वक्रा वक्रा उपदेश चाहीदा है, वक्रा वक्रा उन्हां नूं जीवन चाहीदा है। तो सारे शब्द एक बंदे वास्ते नहीं होंदे, उन्हूं कम नहीं देंदे। वैद का मतलब यही है, दवाई तो सारा कमरा उहदा भरिया होया दवाई नाल, पर उन्हें नबज वेख के वेखना भी दवाई इहनूं किहड़ी कम देगी। तो सतगुरु ने वेख्या, जदों उन्हें कहा मैं चोर हाँ, सतगुरां ने उहदी नबज फड़ ली, उहदा रोग वेख लिया भी इहदा उधार किवें होएगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं दुनिया विच जिहदा उधार गुरु नानक साहब कोल, गुरु ग्रंथ साहब कोल नहीं है। सारिआं दा उधार है इत्थे, इस तरह का कोई बंदा नहीं। सिर्फ दो जने, दो आदमियों नूं गुरु ग्रंथ साहिब ने जवाब दिता है, थोड़ा जिहा ध्यान देना। उहदे वी राह दसे ने भी जे उधार कराउणा चाहुंदा है हो सकदा है, बाकियां नूं ते क्या आ जाओ, पाप कीता है, नशई है, विकारी है, जो भी है सब आवे उधार हो सकदा। पर दो नूं जवाब दे दिता, उह कहिड़े सन, उहदे विच दोवां विचों एक नूं बहुता जवाब दिता, कितें विकारी आदमी सी उहनूं भी थोड़ा जिहा बख्श दिता। पर उत्थे एक बचन कह दिता कि जिहड़ा आदमी निंदक है ना, उहदी दवाई मेरे कोल नहीं। जे जिहड़ा आदमी निंदिया करदा है, ईरखालू है, उहदी मेरे कोल दवाई नहीं। तां ही ते साडे रोग नहीं हट रहे गुरु कोल, क्योंकि इस बीमारी नाल 90% समाज पीड़ित है, ईरखा जिहड़ी निंदिया है। इकले ये नहीं भी जिहड़े बाहर ने धर्म तों, उह ईरखालू, धर्म दे अंदर भी ईरखालू ने, अंदर भी पढ़ रहे ने सुखमणी साहब, वी श्री सुखमणी साहब पढ़ रहे ने, गुरु अर्जन देव जी का गुरपुरब है, उन्हां विच भी दो ग्रुप बने हुए ने, उन्हां विच भी विरोधता है। तां गुरु ग्रंथ साहब जी ने कह दिता कि औखद सभे कीतियन, औखद का मतलब है दवाई, मैं दवाइयां सारियां देना। किसी नूं कोई रोग होवे, शरीर का होवे, मन का होवे, आत्मा का होवे, मेरे कोल दवाइयां हैं, कोई लैण वाला होवे, इत्थे रोग हट सकदा है। औखद सभे कीतियां, पर एक दवाई मेरे कोल नहीं। केड़ी? कहिंदे निंदक का दारू ना है, निंदक दी दवाई मेरे कोल नहीं है। कई बारी जवाब दे देंदा रब, कई बारी वह कह देंदे होर किते दिखा लो, मेरे बस की गल नहीं है। तां गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक बारी जवाब दे दिता है, निंदक का कोई दारू नहीं है। एक झटका लाया निंदक नूं सीधा करन वास्ते, भी इहदी आदत किते छुट जाए, अंदरों निकल जाए वो जिहड़ा कबाड़ है। वैसे तो उहदा भी भला चाहुंदे, ये नहीं कि उहदे नाल अंदरों ईरखा जां कोई कर रहे ने भी ये डुब जाए, जां इहदा भला करना तो चाहुंदे, पर उहनूं झटका देना चाहुंदे। फिर किसी ने बेनती की, महाराज ये निंदक फिर रुल जाएगा, तो असी तो बहुत ही गिनती विच आं, किधर जावांगे। जे तुसी ये कसवटी ला दिती तो 90% लोग तो रह गए। फिर सतगुरु ने सुखमणी साहब विच कृपा की, तुसी सारी अष्टपदी पढ़ोगे जिहदे विच संत के निंदक की गल की गई है। संत के निंदक का मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की विचारधारा अनुसार जिहड़ा बंदा जी रहा है, जदों तुसी उहदी निंदिया करदे हो। संत का निंदक कैसे तरै, सर पर जानो नरक ही पर है। ते भगत जी ने तो एक लंबा शब्द लै कह दिता, कहन लगे जे ओ ग्रहण करै कुल खेत, अरपै नार सिंगार समेत, सगली सिमरत सरबनी सुनै। सारा पाठ अपने कन्नां नाल सुन लै, सारा पाठ सुने, सगली सिमरत सरबनी सुनै। जे ओ आदमी निंदिया करदा है, करै निंद कवणै नहीं गुणै,
निंदा करता किसी पासे नहीं। जे वो अनेक प्रसाद करावे, वड्डी थाली वाला प्रसाद करा ले भावें छोटा कराए कोई फर्क नहीं पाएगा। जे वो अनेक प्रसाद करावे, भूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना संड है, करै निंद बोजोनी हंड है, अपना गवा के दूजियां दा भला भी करी जाए तां भी नहीं लेखे विच लगेगा। किन्नी ये वड्डी बीमारी होवेगी निंदिया जिहड़ी है। तां फिर इहदा एक तरीका दस्या हजूर ने, वो कहिंदे ने इस अष्टपदी नूं ध्यान नाल पढ़ना, संत का निंदक महा अत ताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सदा बेयोग, संत के निंदा दोख मैं दोख। पर एक गल अगे कह दिती, कह लगे नानक संत भावै ता उसका भी होए मोख। इत्थे गल थोड़ी जी उम्मीद बज गई भी हो सकदा इलाज। वो किवें, जिहदी निंदिया कीती है फिर उहदी उस्तत करे, ध्यान दिओ। आ दो सिखां दा जिक्र आउंदा है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर, जिन्हां ने गुरु नानक साहिब जी दी निंदिया कीती सी, भाई सत्ता ते बलवंड जी। बाद विच उहनां दी बाणी भी आई रामकली विच साध विच, तां उह बड़े बड़े कीर्तनीए सन, किते कह बैठे शब्द निकल गए मूँह तों गुरु अर्जन देव जी दे कोल कि जे असी कीर्तन ना करदे, मरदाना साडे वड्डे सन उन्हां कीर्तन कीता तां ही ते लोग जाणदे सन गुरु नानक देव जी नूं, इह किते गलती कर ली, निंदिया कर ली। सतगुरां ने कहा चले जाओ, गुरु नानक दी निंदिया कीती है इत्थे थां नहीं है। तां बड़े वो आदमी जिहड़े रुल गए, मैं बहुता विस्तार इत्थे ना करां, समा घट है। तां मुड़ के फिर आए ते गुरु अर्जन देव जी ने कह दिता भी साडे मथे ना लगण, सानू मिलन ना आए, कोई इहनां दी सिफारिश ना करके आए, जिहड़ा इहनां दी सिफारिश करेगा उहदा मूँह काला होवेगा। ते एक सी भाई लद्दा पर उपकारी, जिन्हां नूं कहिंदे सन, वह पर उपकार करते सन, कहिंदे उन्होंने अपने थोड़ी जी कालख आप ही ला ली, गुरु अर्जन देव जी को चले गए। सतगुरां ने पूछया भाई लदे आए कि मूँह ते की लग गया, कहन लगे महाराज तुहाडे हुक्म नाल है, तुसी कहा सी जिहड़ा सत्ते बलवंडे नूं बख्शाउण दी गल करेगा उहदा मूँह काला होवेगा, मैं पहले ही कर लिया। सतगुरु बड़े खुश होए ते बड़े मुस्काए भी, कहन लगे गुरु कोलों सिख सिख के सिख बड़े सियाणे हो गए ने, हुण गुरु नूं भी एक बारी प्रभावित कर देंदे। तां जदों लै के आए उहनां नूं, निंदिया कीती सी ते सतगुरु ने एक तरीका दस्या, कहन लगे और मैं नहीं बख्श सकदा हुण, नानक संत भावै जिहदी तुसां निंदिया कीती है, गुरु नानक देव जी दी जिहदी तुसां इस मूँह नाल निंदिया कीती, इस मूँह नाल उहदी उस्तत करो, फिर ये तुहाडा सब कुछ मिटेगा। तां उहनां ने उस्तत दे अंदर ये बाणी उचारण कीती, रामकली सद। अज भी जिहड़े लोग बहुत मूँह तो बड़बोले होंदे ने, कई बारी गलत बोल जाते, उस गलत बोलन करके उन्होंने कोई ना कोई चक्कर पै जाता है। तो इस बाणी का पाठ दस्या जाता है भी इनू करो, इस बाणी नू ये बाणी पढ़ो, तुसी बोलन करके होया है, नानक फिका बोली है तन मन फिका होए। तो इस तरह हो सकता इस रोगी का भी इलाज, निंदक का भी, पर ता हो सकता जिहदी निंदिया कीती उहदी उस्तत करे मुड़ के, उहदे पैरी पवाना। तां मैं बेनती कर रहा सां, गुरु पूरा वैद है, गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी उस सज्जन कोल गए तां उहने कहा मेरी तुहाडे नाल चलनी नहीं, मैं चोर हाँ। सतगुरां ने वेख्या जे सीधा इहनूं कहा चोरी छड्ड दे, इहने नेड़े नहीं आउणा, मैं इहदा उधार करना है। तां सतगुरु जी ने बचन कहा, कहन लगे
तेरा नाम की है? कहन लगा भूमिया चोर, बड़ा वड्डा चोर सी मन्निया होया, छोटी मोटी गल नहीं सी, तां छोटे मोटे तां उन्हूं फड़दे भी नहीं सी। तां उसने कहा चोरी नहीं छुट सकती। सतगुरु एकदम बदल गए तरीका, वैसे नहीं इजाजत देंदे चोरी करन दी, पर कह दिता तेनू चोरी छड़न लई क्या किन्ने है करी चल। तां उहदा मन अंदरों एकदम जाग पिया भी इह किवें दा साधु है, किवें दा गुरु है। लोग ते चोरी करन वालियां दे घरों पानी नहीं पींदे, लोग तां उहनां दे घर नहीं जांदे, पहलां पुछ लैंदे ने भी तुसीं अमृतधारी हो के नहीं, फिर छकांगे तुहाडे घरों प्रशादा। पर इह किवें दा है गुरु कि जेड़ा इधर मैनू कह रहा भी चोरी तेनू किने रोकी है, कर लिया कर। कहन लगा इस तरह मैं तुहाडे नाल निभ जाएगी। कहन लगे निभेगी, पर तीन बचन साढ़े चेते रखी, इन्हां नू जे तू निभा गया तो फिर तेरा पार उतारा हो जाएगा। तीन बचन दिते, उहदे विच इह सी कि एक गरीब दे घर चोरी नहीं करनी, एक लून खा के चोरी नहीं करनी, लून हराम नहीं करना, एक झूठ नहीं बोलना। यह तीन गल्लां कीतियां, बचन उन्हें पले बन ले। समान मुक गया एक दिन, दो महीने तां चोरी बंद रखी, चोरी करन तुरिया। गुरु साहब ने कहा सी गरीब दे घर नहीं करनी, राजे दे घर चला गया, दरवाजे अगे सीधा गया, अगे दरबान खड़ा सी पहरेदार, उन्हें पूछया कौन, कपड़े बड़े सोहने पाए। कहन लगा जी मैं चोर हाँ, सच बोलना सी। गुरु जी ने कहा सी कि झूठ नहीं बोलना। वो पहरेदार ने सोचा है तो कोई रिश्तेदार लगता है राजे दा, चोर कदी कहिंदे ने मैं चोर हाँ, पर एक सच्चाई है जदों कोई अपना गुनाह कबूल कर लैंदा वह गुनाह ही नहीं रहिंदा। इस करके उन्हें जान दिता अंदर, उन्हें अंदर जान दिता, अंदर जा के गहने इकट्ठे कर ले, बर्तन विच लून पिया सी वह खा लिया, फिर बचन चेते आया लून खा के चोरी नहीं करनी, उत्थे छड़ दिता सब कुछ चला गया। तां सवेरे खोज होई, सारी गल दा पता लगा, राजा भी प्रभावित होया। तां सतगुरां ने सीधा नहीं किसे नूं तरीके दे नाल, इस करके अज दी जिहड़ी पौड़ी है इहदे विच वी देवतियां नूं मनन वालियां नूं तरीके नाल समझाया गया है। कदी भी साडे गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्दां विच दे उत्ते असीं बोलने आ बहुत सारे, ये ध्यान रखिए भी साडे भाषण दा साडे लैक्चर दा सारा हिस्सा किसे दे उत्ते सिर्फ विरोधी चोटां मारना ना होवे किते, क्योंकि गुरु साहिब ने जे किसे दे चोट कीती भी है बड़े तरीके दे नाल, बड़े ढंग दे नाल। तां उहनां ने बचन कहे ने माई की है, माया किहड़ी है, माया दा अर्थ है जिहदे नाल बंदे दे उत्ते प्रभाव पवे ते रब दा चेता भुल जाए, ए माया जित हर विसरै, ओही ओही माया है, बाकी कुछ भी माया नहीं। तां सतगुरु ने जुगत मंगी कि इहदे विच रह के उहनूं चेते किवें रखणा है। साहिब ने बचन कीते सब तों पहलां माई, एका माई शब्द बनाया ते माया बनाई ते दोवां दा जोड़ कीता। अगों जिहड़ा संसार पैदा होया उह सारा माई विचों होया, माया विचों, भावें कि शब्द द्वारा होया है, उत्पत परलो शब्द ही होवे, तां जिहड़ा शब्द है उह ते पति है, माया पत्नी है, उहदे राहीं सब कुछ पैदा होया, माया दे राहीं ये जो कुछ भी बनिया। माया कल्ली जगत नूं पैदा नहीं कर सकती, वो शब्द दे संयोग दे नाल संसार बनिया, माया दे विचों संसार आया, इस करके माया दा अंश इहदे विच बहुता है। तुसीं जानदे हो कि बच्चे दे उत्ते, मनुख दे उत्ते मां दा प्रभाव 80% रहिंदा, बहुता प्रभाव रहिंदा बच्चे ते। तां जे इत्थे कोई जीव असी शरीर धारी हाँ तो साडे मन दे उत्ते बहुता माया दा प्रभाव है, इहदा कारण इह वी पैदा ही उत्थों होया, शरीर बनिया ही तां है। तां उहदे विचों कढ़ना है, इसनूं शब्द नाल जोड़ना है।
पिता भुल गया उसनू, सिर्फ मां चेते रह गए। तो साहब ने बचन किए एका माई जुगत व्याई, जुगत का अर्थ तरीके दे नाल शब्द द्वारा इस कुदरत दे विचों, इस प्रकृति दे विचों चार खाणियां पैदा हुई जिन्हों गुरु साहब ने कहा अंडज जेरज सेतज उत्पुज तेरे कीते जनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना माहे रवंता। अंडज चार खाणियां बनाइया फिरे दे विचों जिन्हां दे राही ये धरती बनी है। इत्थे चार ने, जरूरी नहीं सारे थावां ते चार होणगी। ये ध्यान रखना आ जिहड़ा ब्रह्मांड साडे वाला है ना, इत्थों दी गल कीती है चार खाणियां दी, बाकियां दी नहीं। क्योंकि केतियां खाणी केतियां बाणी, जपजी साहब विच पढ़ो खाणियां बहुत सारियां ने, चार नहीं हन, चार इत्थे कम करदियां ने। इसलिए ये बुद्धि की हद विच बंद नहीं हुंदा ज्ञान जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब विच जो कुछ दिता गया है। चार खाणियां अंडज अंडियां दे राही जीव पैदा हुंदे ने, जेर दे राही पैदा हुंदे ने, पसीने दे राही सेतज उत्पुज रुख पैदा हुंदे ने। इस तरह यह संसार बनिया माया तो। एका माई जुगत व्याई, व्याई दे अर्थ व्याई नहीं है, इहदा संबंध शादी नाल नहीं। व्याई का अर्थ है ब्याई, इहनू एक भाषा विच जन्म देन नूं ब्याउणा कहिंदे ने, ब्याई है। उस माया ने जन्म दिता, किन्हां नूं दिता? तीन चेले परवान, तीन चेले उहदे विचों बन गए, उह ते आप ही चेले सन। तां गुरु साहिब ने उत्थे वेखो तरीका किन्ना वरत्या कि उन्हां नूं कंडेम भी नहीं किया, जिहड़े उहदे शरधालु सन सीधा कहिंदे भी तुसीं आ की पूज रहे हो, उन्हां नूं विचों खिचिया उहदों तरीके दे नाल कि ये चेले हन। ते गुरु बनाउणा ते गुरु नूं बनाओ, चेलियां नूं क्यों गुरु बना रहे हो? ये ते चेले ने, ये ते आप उहदे गुलाम ने। ये तीन देवते जिहड़े बनाए ने ये तां आप उहदे विचों पैदा होए ने, तुसीं इहनां नूं पूज रहे हो, इन्हां दे पिछे जिहड़ा खड़ा है उहदे वल ध्यान करो। तीन चेले परवान, परवान दा मतलब इत्थे है कि वेदां विच इन्हां नूं प्रमाणित मन्निया गया, उन्हां दे तीन नाम दिते, उन्हां दे तीन कम दसे, उन्हां विच एक एक संसारी एक संसार नूं पैदा करदा है, एक भंडारी एक संसार की पालना करदा है, एक लाए दीवान ते एक संसार नूं खत्म करदा है। एक अकाल पुरख दियां तीन शक्तियां ने, एक इस तरह की होंद है अकाल पुरख वाहिगुरु। वेखो एक बच्चे नूं मां बाप जन्म देंदा है, पालदा है, मारदा नहीं है, पर रब एक इस तरह का पैदा करन वाला है जिहड़ा पैदा भी करदा है मारदा भी आप है, मौत भी उहदे हत्थां दे अंदर है, खत्म भी उही कर देंदा है। तिन्ने चीज़ां उहने अपने हथ विच रखियां होईयां ने, इसलिए ये तीन देवते शब्द कहे गए। असल विच एक केंद्र बिंदु बनाया गया समझाउण वास्ते, जां उहनां दी एक होंद भी हो सकती है, पर असल विच ये ब्रह्मांड नूं चलाउण वालियां तीन ताकतां ने, तीन तरह के तत्तां द्वारा ये चला रहे ने। भगत कबीर जी ने स्पष्ट किया है, कहिंदे पाती तोरै मालणी, इन्हां दी पूजा करन वालियां नूं कहा ये मालण पत्तियां तोड़ रही है, फुल तोड़ रही है, पाती तोरै मालणी, पर उहनूं इस गल का पता नहीं कि पाती पाती जीओ, हर एक पत्ती दे विच जीव है, आप है अकाल पुरख वाहिगुरु। जिस पाहन को पाती तोरै, जिस पत्थर नूं खुश करन लई ये पत्तियां तोड़ रही है, फुल तोड़ रही है, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निरजियो, वो जिहड़ी मूर्ति है वह तो निरजिंद है, उहदे विच जान नहीं है, भुली मालणी है, ये मालणी भुली हुई है, गलत राह ते जा रही है,
ਭੂਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਤੀ ਬਿਸਨ ਡਾਰੀ ਫੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਜਿੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਤੀ ਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਬਿਸਨ ਡਾਰੀ, ਡਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਡਾਲੀਆਂ, ਟਹਿਣੀਆਂ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀ, ਫੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ, ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵਤਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਤਿੰਨ, ਅਤੇ ਤੀਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਰੈ, ਹੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰੈਂ ਕਿਸ ਕੀ ਸੇਵੋ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈਂ ਚਲਾਵੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਹੈਣ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਤਿਵੈਂ ਚਲਾਵੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਮਤ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਰੇਖਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਈਆਂ ਉਸਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈਂ ਚਲਾਵੈ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੱਢਦਾ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲੰਘ ਗਈ ਤਰੀਕ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ?
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਾਜੇ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਟਾਹੇ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੇਵੈ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਗਿਆਨ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਪੰਨੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੈ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼। ਇੱਕ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ।